धन्यवाद बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ पत्र लेखन। पत्र लेखन में बच्चों ये ध्यान देना है कि पत्र जितना शॉर्ट छोटा से छोटा हो सके लेकिन पूरे सारगर्भित होना चाहिए। आज का विषय वस्तु है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है, और मित्र के पास पत्र जो लिखना है वह है उसकी परीक्षा में सफलता के लिए बधाई पत्र। तो क्या है कि मित्र, लिख देता हूँ प्रश्न, मित्र के पास एक बधाई पत्र भेजें। एक मिनट बच्चे, इसको प्रश्न को इस प्रकार नहीं लिखना है, अपने मित्र के बोर्ड परीक्षा में बेहतर अपने मित्र के बोर्ड परीक्षा के बेहतर परिणाम के बधाई पत्र। अपने मित्र को बोर्ड परीक्षा के, हाँ तो क्या है प्रश्न बच्चे कि अपने मित्र को बोर्ड परीक्षा के बेहतर परिणाम के बधाई पत्र भेजना है। इसमें ध्यान देना है कि चूंकि ये मित्र है, मित्र क्या किया है कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम निकला और उसमें बेहतर अंक प्राप्त किया, और इसलिए आप उन्हें क्या भेजिएगा, बधाई पत्र। वो बधाई पत्र में है कि खुशी जाहिर करनी है, और खुशी के लिए मान लिया जाए आपके मित्र का नाम जो भी हो वही लिखना होगा। तो सर्वप्रथम आप बधाई पत्र कहाँ से लिख रहे हैं इसको देना है। तो पहले क्या है, उसके ए साइड में मान लिया जाए हम ए भी एम तिलोकरी से भेज रहे हैं, तो हम लिख दिए ए भी एम तिलोकरी। मित्र के पास बधाई पत्र लिखना है तो उसमें हमें क्या लिखना है, पहले सर्वप्रथम मित्र को संबोधन करना है। तो क्या लिखना है, प्रिय मित्र, मित्र का नाम आपका जो भी हो मान लिया जाए हम लिख देते हैं विवेक। बस आदमी क्या है कि अपने मित्र का क्या है कि प्रिय मित्र विवेक, तुम जहाँ से लिख रहे हो वहाँ डेट भी डाल दे सकते हैं। तो क्या है कि 15/5/2020। अब क्या लिखना है कि इसमें बहुत ही रोचक और आकर्षक तरीके से लिखना है। तो क्या है कि इसमें लिखना है, पुनः मैं आज विद्यालय पहुंचा पहुंचा हाँ मैं आज विद्यालय पहुंचा था, वहाँ हमें पता चला कि
तुम अपने विद्यालय में सभी बच्चों से अधिक अंक प्राप्त किए। तो क्या है कि मैं आज विद्यालय पहुंचा था, वहां हमें पता चला कि तुम अपने विद्यालय में सभी बच्चों से अधिक अंक प्राप्त किए। आगे क्या लिखना है, यह जानकर हमें बेहद खुशी हुई, यह जानकर हमें बेहद खुशी हुई। मैं पूर्व में भी तुम्हारा पढ़ने के तरीके से प्रभावित था। तुम्हारा पढ़ने के तरीके से प्रभावित था। इस परिणाम से तुम अपने परिवार के साथ साथ विद्यालय का भी नाम रोशन किया। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे के पढ़ाई में भी इससे बढ़ कर अंक प्राप्त करने का कोशिश। बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है एक बार सुन लो। प्रिय मित्र विवेक, मैं आज विद्यालय पहुंचा था, वहां हमें पता चला कि तुम अपने विद्यालय में सभी बच्चों से अधिक अंक प्राप्त किए हो। यह जानकर हमें बेहद खुशी हुई। मैं पूर्व में भी तुम्हारे पढ़ने के तरीके से प्रभावित था। इस परिणाम से तुम अपने परिवार के साथ साथ विद्यालय का भी नाम रोशन किया। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे के पढ़ाई में भी इससे बढ़कर अंक प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यह धन्यवाद नहीं भी देगा तो क्या होगा, तुम्हारा आगे यहाँ क्या लिखेगा, तुम्हारा जो भी नाम है आपका, नाम लिए हम लिख देते हैं अमित।
बस इतना ही लिखना है, यहाँ इस तरह से कर देगा। तो क्या है कि इसी तरह से एकदम छोटा से छोटा और सार्थक होना चाहिए। तो ये इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्न भी जैसे है अपने मित्र के पास, तो इससे रिलेटिव बधाई पत्र है, यानी उसकी प्रशंसा करनी है, तो ठीक इसी से रिलेटिव पांच और पत्र आप लिख लीजिएगा जैसे अपने मित्र के पास है। तो इसी तरह से बधाई पत्र किसके पास, एक आप बहन के पास, बहन के पास, दूसरा भाई के पास, तीसरा अपने कोई अन्य मित्र के पास,